सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मसूर स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में चिंतन शिविर के समापन सत्र को संबोधित किया है। यहाँ उन्होंने कहा कि साल 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पिछले 3 दिनों से जो मंथन हुआ उसके आने वाले समय में सुखद परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर में जो भी सुझाव आए हैं इनको कार्य योजना में लाया जाएगा, साथ ही महत्वपूर्ण सुझावों को कैबिनेट में भी लाया जाएगा। धामी ने कहा कि सरलीकरण समाधान और निस्तारण के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है, साथ ही कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए गांव का विकास जरूरी है। इसके अलावा गांव में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुननी होगी ताकि उन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान हो सके।